क्लासिफिकेशन दिया, तो उन्होंने उसके लिए बेसिक पॉइंट किसको बनाया था? जो भी हमने पहले के लॉस पढ़े, जैसे डोबेराइनर का लॉ ऑफ ट्रायड है, न्यूलैंड का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, और लूथर मेयर जो कर्व है, उन्होंने ये देखा कि ये जो सारे के सारे कर्व होते हैं या सारे के सारे जो लॉ हैं वो किस पे बेस्ड हैं? सारे के सारे लॉस एटॉमिक मास पे बेस्ड हैं, और उसी एटॉमिक मास को लेते हुए मेंडलीव्स ने एक लॉ प्रपोज किया जिसको मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के फॉर्म पे इंडिकेट किया जाता है। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हमको क्या बताता है कि किसी भी एलिमेंट का जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है वो उसके एटॉमिक मास का क्या होता है? पीरियोडिक फंक्शन होता है। मतलब एक पर्टिकुलर एलिमेंट के एटॉमिक मास के बाद जो हमको न्यू एलिमेंट मिलता है जिसका कैरेक्टर फर्स्ट एलिमेंट के कैरेक्टर से मैच करता है, उसको क्या बोला जाता है? पीरियोडिक फंक्शन के फॉर्म पे क्या किया जाता है? शो किया जाता है। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर मास के बाद उसमें पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। एट दैट टाइम जब मेंडलीव्स अपनी डिस्कवरी कर रहे थे और पीरियोडिक टेबल में सारे एलिमेंट को जब वो क्लासिफाई कर रहे थे, तो उस टाइम पर कितने एलिमेंट नोन? एटॉमिक मास के बेसिस पे इंक्रीजिंग ऑर्डर पे किसने अरेंज किया था? जो मेंडलेव्स थे उन्होंने अरेंज किया था। उन्होंने क्या किया देखिए, जो मेंडलेव्स थे उन्होंने इन 63 एलिमेंट के लिए ग्रुप और कॉलम बनाए। जो टेबल उन्होंने दिया उस टेबल में इन्होंने कुछ ग्रुप और साथ में पीरियड बनाए जिसको मेंडलेव पीरियोडिक टेबल के फॉर्म पे इंडिकेट किया गया। इस मेंडलेव पीरियोडिक टेबल में लगभग कुछ वर्टिकल और हॉरिजेंटल सेगमेंट्स थे, जिसमें से वर्टिकल कॉलम्स को क्या बोला जाता था? ग्रुप्स बोला जाता था, और जो हॉरिजेंटल कॉलम्स थे उनको पीरियड बोला जाता था। वर्टिकल कॉलम का मतलब इस फॉर्म पे जो हमको मिलेगा वो हमारे लिए क्या हो जाते थे? ग्रुप्स हो जाते थे, और इस फॉर्म पे जो हमको मिलेगा दैट इज कॉल्ड अ हॉरिजेंटल कॉलम्स, उनको क्या बोला जाता था? पीरियड्स बोला जाता था। नाउ अ डे अभी जो पीरियोडिक टेबल हम डिस्कस करते हैं वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, जिसके बारे में 1913 पे हेनरी मॉसले नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। और इस पे अगर आप देखोगे तो टोटल कितने ग्रुप हैं? 18 ग्रुप, और लगभग 7 पीरियड्स क्या हैं? प्रेजेंट हैं इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो देखिए मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो पीरियड्स हैं, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं कि आखिर जो पीरियड्स हैं वो कौन कौन से हैं। हाँ, तो ये आपका क्या हो जाता है, जैसे देखिए अगर पीरियड्स की बात करोगे, जैसे फर्स्ट पीरियड, टोटल कितने पीरियड है? मैंने बताया 7 पीरियड है। इसमें से अगर फर्स्ट पीरियड की बात करोगे तो जो फर्स्ट पीरियड होता है, 2 मिनट वेट करिएगा आप सभी।
हाँ तो देखिए, जो ग्रुप्स एंड पीरियड, डिस्कस करते हैं बाद में ग्रुप्स एंड पीरियड्स उसके बारे में। तो देखिए, फर्स्ट जो पीरियड होता है हमारा, उसमें जनरली कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? टू एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और जो हमारा सेकंड पीरियड प्रेजेंट होता है, सेकंड पीरियड की बात करूँ तो वहां पे कितने आते हैं? एट एट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद टोटल सेवन पीरियड के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसको अगर आप ध्यान से समझोगे तो आपको क्या समझ में आएगा? जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं वो चीज आपको समझ आएगी, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पर फर्स्ट पीरियड का बात किया, तो फर्स्ट पीरियड पे कितने एलिमेंट आ गए? दो एलिमेंट, एक हाइड्रोजन होता है और एक हीलियम होता है, आप सभी इस बात को जानते हैं। और अगर आप सेकेंड समीक्षा से कहिए, मैंने उनको ऐड कर लिया है। सेकेंड पीरियड की अगर आप बात करोगे तो सेकेंड पीरियड में कितने होते हैं बताया जा रहा है? एट एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद थर्ड पीरियड की बात करोगे तो थर्ड पीरियड पे हमारे 18 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद कंडीशन आता है किसका? जो हमारा फोर्थ है और फिफ्थ पीरियड है। फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में लगभग कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? ठीक है, लगभग कितने एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उस पे? लगभग अगर आप देखोगे तो फोर्थ और फिफ्थ पीरियड पे लगभग आपके 32 एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। इसके बाद अगर आप किसकी बात करोगे, सिक्स्थ और सेवेंथ पीरियड की बात करोगे, तो सिक्स्थ और सेवेंथ जो पीरियड है इसमें लगभग, सेवेंथ पीरियड की अगर बात करोगे, यहाँ पे दिया हुआ है लगभग कितने एलिमेंट प्रेजेंट है बताया जा रहा है? 24 एलिमेंट्स। लेकिन ये जो ग्रुप है, सिक्स्थ और सेवेंथ का जो ग्रुप है वो आपका कैसा है? इनकम्प्लीट है, ठीक है। और इसके इनकम्प्लीट होने का मेन रीजन क्या होता है? देखो, इनकम्प्लीट होने का मेन रीजन ये है कि नीचे आपके क्या हो जाते हैं? कुछ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। 14 14 का एक ग्रुप होता है और 14 14 एलिमेंट वहां पे प्रेजेंट होते हैं, जिनको क्या बोला जाता है? लैंथेनॉइड बोला जाता है, लैंथेनॉइड। और साथ में क्या बोला जाता है? एक्टिनॉइड्स बोला जाता है। 14 का ये एक ग्रुप आपको मिलेगा और 14 का ये एक ग्रुप मिलेगा, ठीक है। जब पीरियोडिक टेबल आप डिस्कस करोगे तो नीचे टोटल 18 ग्रुप होंगे, नीचे यहाँ पर आपको 14th ग्रुप मिलता है। एक आपका 4F का ब्लॉक होता है और एक आपका 5F का ब्लॉक होता है, ठीक है। इसको लैंथेनॉइड बोला जाता है और इसको एक्टिनॉइड बोला जाता है। और इस तरीके से सेवेंथ जो पीरियड्स में एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उनको काउंट किया जाता है। अब देखो, इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है? तो बोरबरी स्कीम के थ्रू ये बताया गया था कि जैसे आपने 2n² का फॉर्मूला लिया, तो 2n² में यही बोला गया था कि फर्स्ट सेल है तो कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा? दो इलेक्ट्रॉन। और फर्स्ट अगर मेरा पीरियड है तो उसमें भी कितने नंबर ऑफ एटम? दो नंबर ऑफ एटम है। और इसमें फर्स्ट सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो है। मतलब पीरियोडिक टेबल पे ही वो बेस्ड है, आप ये मान के चलिए। इसके बाद सेकेंड सेल की बात करते हो तो उसमें कितने आ जाते हैं? 2 × कितना करोगे आप? 2 का स्क्वायर करोगे तो टोटल कितना आता है? 8 आता है। और सेकेंड पीरियड की बात करोगे तो सेकेंड पीरियड पे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? 8 8 नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं अगर पीरियोडिक टेबल देखोगे तो। ऐसे ही अगर आप थर्ड पीरियड की बात करोगे या बोरबरी स्कीम के थ्रू थर्ड सेल की बात करोगे तो 2 × क्या करोगे? 3 का स्क्वायर करोगे। 3 3 9 हो जाएगा और 9 2 कितना आ जाएगा? 18 हो जाएगा। और थर्ड पीरियड पे जो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं वो कितने होते हैं? वो भी आपके कितने होते हैं? 18 होते हैं। समझ रहे हो? तो इससे ये बात पता चलती है कि जैसे आपका पीरियड इन अ पीरियोडिक टेबल जो बना हुआ है वो बोरबरी स्कीम के बेसिस पे ही बना हुआ है, और उसी के बेसिस पे एलिमेंट को इन अ पीरियड पीरियोडिक टेबल पे अरेंज करके रखा गया है, ठीक है। इसके बाद ग्रुप्स की अगर बात करें तो जिस टाइम पे मेंडलिव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था उस टाइम पर टोटल नंबर ऑफ ग्रुप जो प्रेजेंट थे वो नंबर ऑफ ग्रुप कितने थे? टोटल 8 ग्रुप जो थे वो प्रेजेंट थे। अब देखो, उस टाइम पर इनर्ट गैस के एलिमेंट का डिस्कवरी नहीं हुआ था, बाद में इनर्ट गैस का डिस्कवरी हुआ। और जब न्यू पीरियोडिक टेबल हमारा बना तो एक न्यू ग्रुप क्या किया गया उस पीरियोडिक टेबल पे ऐड किया गया, जिसको हम किस फॉर्म पे इंडिकेट करते हैं? जीरो ग्रुप के फॉर्म पे हम उसको क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, ठीक है। तो जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दिया गया था उस जीरो को कंक्लूड करोगे तो इनिशियली जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब कितने ग्रुप थे?
एड ग्रुप थे, और बाद में जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हो गई तो एक नया ग्रुप उसमें जोड़ा गया, उसको आगे ना देके सामने दिया गया, जिसको किस फॉर्म पे इंडिकेट किया गया, जीरो ग्रुप के फॉर्म पे इंडिकेट किया गया। और इसी तरीके से मेंडलिव के पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने ग्रुप हो गए, पहले के एट ग्रुप और एक जीरो ग्रुप मैंने ऐड किया, तो टोटल कितने ग्रुप हो गए, नाइन ग्रुप ऐड हो गए। ठीक है, किस वजह से, बिकॉज हमने उसमें जीरो ग्रुप को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। ठीक है, अब टोटल हमारे पास ये जो नाइन ग्रुप थे, इन नाइन ग्रुप्स को, जीरो ग्रुप को छोड़कर बाकी के एट ग्रुप्स को टू सब ग्रुप में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। तो बाकी एट ग्रुप को अगर टू सब ग्रुप में डिवाइड करोगे, जैसे ये एक ग्रुप है, जैसे सपोज ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है और ये मेरा सेकेंड ग्रुप है, तो इसका सब ग्रुप आएगा तो इसको फर्स्ट ए बोला जाएगा और इसको फर्स्ट बी बोला जाएगा, इसका सब ग्रुप आएगा तो इसको सेकेंड ए बोला जाएगा और इसको सेकेंड बी बोला जाएगा। ऐसे करते हुए एट ग्रुप के दो सब ग्रुप बनाएंगे, तो एट मल्टीप्लाइड बाय टू करोगे तो कितने सब ग्रुप आ जाएंगे, टोटल 16 सब ग्रुप आपके आ जाएंगे। समझ रहे हो? तो इस तरीके से टोटल हमारे पास कितने सब ग्रुप हो जाएंगे, 16 सब ग्रुप हो गए थे, जब किसके बारे में बताया गया था, मेंडलिव पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया गया था। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल का जो एक बेस है वो मेंडलिव के पीरियोडिक टेबल में ही पूरी तरीके से बन गया था, ये हम बोल सकते हैं। अभी के पीरियोडिक टेबल में आप सभी जानते हैं कि जीरो ग्रुप का एडिशन है, और अगर आप उसको ऐड कर लोगे तो 9 2 कितना हो जाएगा आपका, 18 ग्रुप हो जाएगा, और अभी भी पीरियोडिक टेबल में उतने ही ग्रुप प्रेजेंट है। बस फर्क इतना है कि उस टाइम पर जो एलिमेंट की क्वांटिटी थी वो 63 थी, और अभी के टाइम पर जो एलिमेंट की क्वांटिटी है वो कितनी हो गई है, लगभग 118 हो गई है। और आने वाले टाइम पे इन एलिमेंट्स का नंबर, जैसे जैसे नई एलिमेंट की डिस्कवरी होती जाएगी, वैसे वैसे इन एलिमेंट्स की क्वांटिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम ग्रुप्स के कुछ कैरेक्टर्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स के बारे में बताया गया है यहाँ पर, कि नथिंग इम्पोर्टेंट है, आपको कभी भी क्वेश्चन पे इन बातों के बारे में नहीं पूछा जाएगा। हाँ, इतना पूछा जा सकता है कि मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल जो है वो किस बेसिस पे बनाया गया है, एटॉमिक नंबर या एटॉमिक मास के बेस पे। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मेंडलिव पीरियोडिक टेबल जो बना है वो एटॉमिक मास के बेस पे बना है। ठीक है, और उस टाइम पर जब मेंडलिव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया था तो उसमें कितने ग्रुप और कितने पीरियड प्रेजेंट थे, ये पूछा जा सकता है। तो ग्रुप हमारे पास कितने थे, 8 ग्रुप। सब ग्रुप को कंक्लूडेड करते हुए उसने नहीं बोला, अगर वो सब ग्रुप बोलता तो एक्सेप्ट जीरो ग्रुप लिख के आप टोटल 16 ग्रुप बताते, 16 सब ग्रुप बताते। ठीक है, अगर आपको ग्रुप पूछा जाएगा तो आप टोटल उसमें कितना ग्रुप बताओगे, अगर इनर्ट गैस को कंक्लूड करते हुए पूछा जाए तो 9 ग्रुप बताएंगे, और इनर्ट गैस को ना कंक्लूड करते हुए पूछा जाएगा तो आप 8 ग्रुप के फॉर्म पे शो करोगे। और पीरियड बोला जाए तो अभी भी 7 पीरियड प्रेजेंट हैं पीरियोडिक टेबल में, और पहले के टाइम पे भी 7 पीरियड प्रेजेंट थे। ये क्वेश्चन एक बन सकता है आपका, और एक बन सकता है कि जब मेंडलिव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल गिव किया तो उस टाइम पर कितने एलिमेंट प्रेजेंट थे, तो टोटल कितने थे, 63 एलिमेंट उस टाइम पर नोन हो चुके थे, और उतने एलिमेंट को लेते हुए ही उन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है, इसके बाद कैरेक्टर्स भी मैं आपको बता देती हूं कि जो नंबर ऑफ ग्रुप बनाया गया था मेंडलिव्स पीरियोडिक टेबल पे वो वैलेंसी के बेस्ड पे बनाया गया था, जिसमें उन्होंने किसके कौन से एलिमेंट को बेसिक पॉइंट माना था, ऑक्सीजन एलिमेंट को बेसिक पॉइंट माना था। जैसे अगर ऑक्सीजन किसके साथ रिएक्ट करता है, एज अ एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि अगर ऑक्सीजन Na2O के साथ रिएक्ट Na2O बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करके MgO बनाता है, और एल्यूमिनियम के साथ रिएक्ट करके Al2O3 बनाता है। तो जब ऑक्सीजन का वैलेंसी निकालोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कितना आएगा, 2 और 6 आएगा। इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो -2 है। ठीक है, जब एक सोडियम का इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो इसके पास कितना प्लस हो जाएगा, 1 प्लस हो जाएगा। अब देखो, इसके पास 2 नेगेटिव आयन हैं तो हमको सोडियम के कितने चाहिए, 2 पॉजिटिव आयन चाहिए। तो सोडियम की क्वांटिटी मैंने इसमें क्या की है, डबल की है। इसका मतलब है कि सोडियम, एक सोडियम कितने चार्जेस का है, सिंगल वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने वाला है। ठीक है, तो सिंगल वैलेंसी को रिप्रेजेंट करने वाले एलिमेंट के लिए उन्होंने एक ग्रुप बनाया था होगा ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है,
और एमजीओ पे यहाँ पे हमारा ऑक्सीजन कितना है, 2 नेगेटिव का है, और एनजी 1 mg लगा है, मतलब 1 mg कितना है, +2 का होगा, ठीक है। तो +2 का वैलेंसी शो करने वाले एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया गया। इसके बाद एल्यूमिनियम, जब ऑक्सीजन की क्वांटिटी एल्यूमिनियम के साथ ऑक्सीजन को रिएक्ट कराते हैं, तो ऑक्सीजन का लगभग 3 मोल एल्यूमिनियम के साथ क्या कर रहा है, यहाँ पर रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। तो 3 2s करेंगे, जैसे एक ऑक्सीजन पर -2 चार्जेस, तो 3 2s इसमें कितने चार्जेस आ जाएंगे, -6, मतलब एल्यूमिनियम पर टोटल कितने चार्जेस हैं अभी, +6 चार्जेस हैं, ठीक है। और यहाँ पर कितना एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम है, तो डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 3 6, मतलब जो एल्यूमिनियम एलिमेंट है वो कितने वैलेंसी को शो कर रहा है, +3 वैलेंसी को शो कर रहा है। तो +3 वैलेंसी वालों के लिए एक अदर ग्रुप होगा। ऐसे उन्होंने क्या किया, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को लेके, बिकॉज इसका रिएक्टिविटी पावर ज्यादा था होगा, तो इस वजह से इसको लेते हुए सारे एलिमेंट का इनसे रिएक्शन करवाया। रिएक्शन करवाने के बाद उन्होंने जो केमिकल फॉर्मूला गिव किया, उस केमिकल फॉर्मूला के बेसिस पे उनकी वैलेंसीज के बारे में पता किया, और वैलेंसी के बारे में पता करके उसको पीरियोडिक टेबल में, जैसे एक वैलेंसी को शो करने वाले जो +1 वैलेंसी को शो करते थे उनको एक ग्रुप में रखा गया, जो +2 को शो करते थे उनको एक ग्रुप में, ऐसे ही +3 +4 और 5 6 7 8 वालों को अदर अदर ग्रुप में ये क्या करते गए, रखते गए, ठीक है। तो इनके ग्रुप का फर्स्ट कैरेक्टर ये था, उसके बेस पे इन्होंने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। सेकेंड कैरेक्टर में इन्होंने सब ग्रुप बनाए, सब ग्रुप में इन्होंने ये देखा कि कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि कुछ सिमिलैरिटी तो शो करते हैं, लेकिन साथ में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे सिमिलर नहीं है, आधी प्रॉपर्टी तो उनकी सेम है लेकिन एक आध प्रॉपर्टी उनकी क्या हो जाती थी, डिफरेंट हो जाती थी। जैसे सपोज कोई एलिमेंट अगर हम लेते हैं, जैसे सपोज मान लो ये एक ग्रुप है, मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ठीक है। इसमें मैंने 2 एलिमेंट 4 एलिमेंट लिया समझो, ए बी सी और डी, ठीक है। इसमें से ए बी सी तीनों का कैरेक्टर सेम है, लेकिन डी का कैरेक्टर, कुछ कैरेक्टर तो सेम है, मतलब आधा कैरेक्टर सेम है और आधा कैरेक्टर डिफरेंट है। तो ऐसे एलिमेंट के लिए इसको क्या कर दिया गया, एक डिवाइडेशन किया गया कि फर्स्ट ए वाले जो एलिमेंट है उनका कैरेक्टर सेम है, मान लो इसमें एक और एलिमेंट ले लेते हैं ई, तो डी और ई ऐसे एलिमेंट थे जिनका कैरेक्टर ए बी सी के आधे कैरेक्टर से तो मैच करता था, लेकिन आधा कैरेक्टर दोनों का क्या था, डिफरेंट था। तो उसको सेकेंड ए, फर्स्ट ग्रुप का जो सब ग्रुप था उसमें रखा गया, मतलब इसमें डी और ई एलिमेंट को रखा गया, ठीक है। सेकेंड कैरेक्टर इनका ये था कि कुछ एलिमेंट ऐसे थे जो कि सेम ग्रुप में प्रेजेंट होते हुए कुछ सिमिलैरिटी भी पोसेस करते थे, इसके अलावा कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टी भी शो करते थे। तो जो डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते थे उनको डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करने वाले एलिमेंट के फॉर्म पे एक सब ग्रुप में रखा गया, और इसी वजह से क्या किया गया, एक ग्रुप के एलिमेंट को सब ग्रुप में डिवाइड किया गया, ठीक है। यहाँ पे ऐसा एग्जाम्पल बताया गया है कि जैसे फर्स्ट ए सब ग्रुप की अगर मैं बात करूँ, तो वहां पर लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, इन सारे एलिमेंट को रखा गया एक साइड पे, बिकॉज ये सारे के सारे क्या करते थे, सेम कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते थे, और सभी की वैलेंसी कितनी थी, +1 थी। इसके अलावा कॉपर मरकरी और ऑरेट जो थे, सॉरी कॉपर अर्जेंटेट मतलब सिल्वर और ऑरेट जो थे, ये भी +1 वैलेंसी को शो करते थे, लेकिन फर्क क्या था कि ये सारे के सारे जो लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम हैं, ये अल्कलाइन मेटल्स की कैटेगरी में आते थे, लेकिन कॉपर और जो हमारा सिल्वर और ऑरेट है ये ट्रांजिशन मेटल की कैटेगरी में आता था, मतलब ये एक डिफरेंट कैरेक्टर को पोसेस करता था। तो इस वजह से फर्स्ट ग्रुप में 2 सब ग्रुप बनाए गए, फर्स्ट ए और फर्स्ट बी। तो फर्स्ट ए में किसको रखा गया, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम और सीजियम, इनका कैरेक्टर क्या था, सेम था। और फर्स्ट बी में जिनका कैरेक्टर थोड़ा सा इनके कैरेक्टर के कैरेक्टर से डिफरेंट था, हालांकि वैलेंसी इनकी सेम थी, इस वजह से इनका ग्रुप तो सेम था लेकिन सब ग्रुप क्या था, डिफरेंट था। तो फर्स्ट बी जो सब ग्रुप था उसमें कॉपर और सिल्वर और ऑरेट को रखा गया था, ठीक है। तो ऐसे सब ग्रुप में भी डिवाइड किया गया था, सारे ग्रुप में जो एलिमेंट ऐसे थे जो सेम थे उनको एक सब ग्रुप में, और जो डिफरेंट थे उनको दूसरे सब ग्रुप में रखा गया था, ठीक है।
फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हर एक एलिमेंट का जो होता था सब ग्रुप में, वो बिल्कुल एक ग्रेजुअल चेंज को रिप्रेजेंट करता था। मतलब कोई कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाता था, कोई कंटिन्यूअसली डिक्रीज होता जाता था। जैसे किसी का टेम्परेचर है तो एलिमेंट मैंने लिया, मान लो चार पांच एलिमेंट लिया, तो वो चार पांच एलिमेंट एक पर्टिकुलर वे पे एक टेम्परेचर को शो करते थे कि एक का मेल्टिंग पॉइंट मान लो 60 डिग्री था, तो दूसरे का 80 डिग्री था, फिर तीसरे का 120 था, फिर चौथे का 140 था। मतलब एक वे पे वो क्या करते थे, इंक्रीज होते जाते थे। तो उसको एक सब ग्रुप में रखा जाएगा और जिसने इस वे को बिगाड़ दिया उसको दूसरे सब ग्रुप में रखा जाएगा। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी सब ग्रुप के लिए क्या किया गया था, बेस माना गया था। ठीक है, इसके अलावा जो सब ग्रुप था हमारा फर्स्ट ए, लिथियम टू सीजियम, ये सारे के सारे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के थे। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर होने की वजह से इनका रिएक्टिविटी पावर क्या होता था, काफी ज्यादा होता था। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई एटम, उसने क्या किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, किसी को डोनेट कर दिया, मतलब उसने अपने इलेक्ट्रॉन को किसी को दे दिया, तो उसपे कौन से चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। तो पॉजिटिव चार्जेस आने के बाद अब वो एक आयोनाइज्ड एलिमेंट बन जाता है और उसका रिएक्टिविटी पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, और इसी वजह से रिएक्टिविटी पावर बढ़ गया, मतलब किसी के साथ भी वो आसानी से क्या कर सकता है, रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जब हम फर्स्ट एक ग्रुप में लिथियम से सीसियम के साइड पे जाते थे तो उनके कैरेक्टर्स में कौन कौन से कैरेक्टर्स में, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर, रिएक्टिविटी और बेस, मतलब अगर किसी ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो उनका जो बेसिक कैरेक्टर होता था उनमें एक रेगुलरिटी देखने को मिलती थी, और ये रेगुलरिटी कंटिन्यूअसली क्या होती जाती थी, इंक्रीज होती जाती थी। मतलब इस कैरेक्टर के बेसिस पे ये बताने की कोशिश की गई है कि मेंडलिव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो बिल्कुल करेक्ट था, क्योंकि एक करेक्ट ऑर्डर पे उनकी प्रॉपर्टीज पे, जैसे इंक्रीजमेंट होता था तो वो इंक्रीजमेंट शो करते थे, और किसी प्रॉपर्टी को लेकर वो डिक्रीज का कैरेक्टर शो कर रहा है तो सारे के सारे एक रेगुलर वे पे डिक्रीज फॉर्म भी शो करते थे। ठीक है, ऐसा एक ग्रुप नहीं था बल्कि एक अदर सब ग्रुप भी था जो कि सेवेंथ ए पे प्रेजेंट था, जहां पर हेलाइड, जो हेलोजेंस होते हैं हमारे, फ्लोरिन टू आयोडीन, इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर जो था वो कंटिन्यूअसली क्या हो रहा होता जा रहा था, डिक्रीज होता जा रहा था। ठीक है, तो ऐसे सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं थे, उन्होंने जितने सब ग्रुप बनाए थे सारे के सारे सब ग्रुप में वो जो कैरेक्टर्स थे वो एक रेगुलर वे पे किसी भी तरीके के चेंजेस को रिप्रेजेंट करते थे, जिससे ये कंफर्म हो गया कि जो भी पीरियोडिक टेबल मेंडलिव्स ने हमको दिया है वो बहुत ही मतलब एक बेसिक पॉइंट को डिनोट कर रहा है, उसमें कोई भी लिमिटेशन नहीं है और किसी भी तरीके का कोई भी डिफेक्ट उनके पीरियोडिक टेबल में अभी तक दिखाई नहीं दिया था। ये तो हो गई ग्रुप की बात कि उनके ग्रुप में कोई भी टाइप का हमको डिफेक्ट नहीं मिला। एलिमेंट का वो डिक्रीज होता जाता है। ठीक है, पीरियड्स की बात की जा रही है, मतलब हम डिफरेंट टाइप ऑफ कॉलम्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो एलिमेंट का जो मेटेलिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि मेटेलिक कैरेक्टर अगर डिक्रीज हो रहा है दैट मीन्स नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा होगा, इंक्रीज हो रहा होगा। ये किस बेस पे है, जब तक मेटेलिक कैरेक्टर होगा तो जो एलिमेंट होंगे वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, लूज कर सकते हैं, और जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो जो एलिमेंट्स होते हैं उनके गेन करने की एबिलिटी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है, जिस वजह से वो मेटेलिक कैरेक्टर को लूज करते जाते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को इंक्रीज करते जाते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड पीरियड की बात की गई है। थर्ड पीरियड की अगर हम बात करें तो जो थर्ड पीरियड हमारे प्रेजेंट थे इसमें ज्यादातर एलिमेंट ऐसे थे जिसमें बिगनिंग में तो स्ट्रॉन्ग मेटल प्रेजेंट थे, लेकिन जैसे जैसे हम उसके एंडिंग पॉइंट पे जाते थे उसमें जो एलिमेंट प्रेजेंट होते थे वो सारे के सारे क्या होते थे, नॉन मेटल्स होते थे। ठीक है, तो इसमें भी जो कैरेक्टर था, पहले जो एलिमेंट का कैरेक्टर हमको देखने को मिल रहा है वो एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर को बता रहा है, और उसके बाद एलिमेंट कैरेक्टर जब हम मूव कर रहे हैं लेफ्ट टू राइट तो एलिमेंट का कैरेक्टर क्या होता जा रहा है, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर को वो क्या करता जा रहा है, इंक्रीज करता जा रहा है। मतलब इसमें भी जो
चेंज है उसमें क्या है, एक रेगुलरिटी है कि धीरे धीरे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता गया, डिक्रीज होता गया, और जैसे ही मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हुआ, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन को गेन करने की प्रॉपर्टी क्या हो गई, बढ़ गई। तो ये भी अरेंजमेंट जो पीरियड्स में था, जो कि मेंडलेव्स ने अपने टेबल पे किया था, वो भी क्या था, बिल्कुल करेक्ट था, उसमें भी किसी टाइप का कोई डिफेक्ट नहीं था। इसके अलावा कुछ अदर चेंजेस देखने को मिले थे, चेंजेस इन नेचर ऑफ ऑक्साइड, मतलब कुछ एलिमेंट को लेकर उनका ऑक्साइड बनाया गया, जैसे यहाँ पर सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन ऑक्साइड, फॉस्फोरस परऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड और क्लोरिक ऑक्साइड दिया हुआ है, और सबके कैरेक्टर यहाँ पे बताए गए हैं। सबसे पहले जो मेटल है वो स्ट्रांगली बेसिक नेचर का है, फिर मैग्नीशियम ऑक्साइड फिर थोड़ा बेसिक का है, फिर एम्फोटेरिक नेचर आ गया, वीक एसिड बने, और धीरे धीरे करके जैसे जैसे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता गया, जो एसिड है मोस्ट स्ट्रांग एसिड हमारे पास आता गया। तो इससे ये बात पता चलती है कि जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन कैरेक्टर होते हैं, और जो नॉन मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक इन कैरेक्टर होते हैं, और जिसका जितना ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर होता है, जितना ज्यादा नॉन मेटलिक कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने का एबिलिटी जिसका जितना ज्यादा होता है, वो उतना ही अच्छा एसिडिक नेचर शो करता है, और जिसका जितना अच्छा इलेक्ट्रॉन को लूज करने का एबिलिटी होता है, वो उतना ही अच्छा बेसिक नेचर क्या कर सकता है, शो कर सकता है। ये हमको किससे पता चला, चेंज इन नेचर ऑफ ऑक्साइड से पता चला, जिसमें हमने मेटल के भी ऑक्साइड बनाए और नॉन मेटल के भी ऑक्साइड बनाए, तीन, ठीक है। इसके बाद ग्रेजुअल चेंज इन द नेचर ऑफ ऑक्साइड, अब देखिए उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है कि चेंज इन नेचर ऑफ ऑक्साइड में किस टाइप का चेंज मिला, एक ग्रेजुअल चेंज मतलब एक कंटिन्यूटी के साथ चेंजेस देखने को मिला। फिर है चेंज इन वैलेंसी, अब लेफ्ट टू राइट इन अ कॉलम हम क्या कर रहे हैं, पीरियड में वैलेंसी पता कर रहे हैं। तो ये देखते हैं कि पहले तो वैलेंसी इंक्रीज होती जाती है 1 to 4 तक, और जैसे ही हम अदर हाइड्राइड और क्लोराइड फॉर्म में इनकी वैलेंसी निकाली गई है, तो 1 to 4 तक तो वैलेंसी इंक्रीज होती जाती है, लेकिन जैसे ही 4 के बाद 5, 6, 7 आता है, जो वैलेंसी होती है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे क्या होता जाता है, लूज होता जाता है। अगर हम उसको गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे ना लें, तो देखिए 4 के बाद 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 8 आएगा, मतलब वैलेंसी, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन की मैं यहाँ पे बात करूं, वैलेंसी की बात ना करूं, तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, जैसे जैसे इन पीरियोडिक टेबल हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इन दी आउटर मोस्ट सेल, वो क्या होते जा रहे हैं, इंक्रीज होते जा रहे हैं। तो ये भी मेंडलेव्स के पीरियोडिक टेबल का एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, जिसमें किसी भी टाइप का कोई डिफेक्ट हमको पीरियड्स में देखने को नहीं मिला था। नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप, डायगोनल रिलेशनशिप का मतलब है जितने सब ग्रुप ना बोला जाए, ग्रुप हमारे मेंडलेव्स ने दिए थे, उसमें होता क्या था, जैसे फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है और मान लो सेकेंड ग्रुप का एलिमेंट है, जैसे एज अ एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बताऊं, तो एक मेरा फर्स्ट ग्रुप है और दूसरा मेरा सेकेंड ग्रुप है। मान लीजिए फर्स्ट ग्रुप में मेरे पास यहाँ पे लिथियम प्रेजेंट है, यहाँ पे बेरिलियम प्रेजेंट है, और जो थर्ड ग्रुप है उसमें यहाँ पे हमारे पास सोडियम, सॉरी यहाँ पे पीरियड की बात की गई है, ये फर्स्ट पीरियड ना सेकेंड, और ये आपका थर्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ये सोडियम और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम आ जाएगा। तो देखा क्या गया, ऐसे ही आगे थर्ड फोर के बारे में भी देखा गया है, तो देखा ये गया कि जो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप होता था, उसमें से फर्स्ट ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड ग्रुप के सेकेंड एलिमेंट्स का जो कैरेक्टर था आपस में क्या करता था, ये कैरेक्टर आपस में सिमिलर होता था, ठीक है। इसको बोला जाता है डायगोनल रिलेशनशिप, मतलब ये डायगोनली एक दूसरे से कैसे है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैरेक्टर कनेक्टेड होते थे, मतलब लिथियम की प्रॉपर्टी जो होती थी वो मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी से क्या करती थी, मैच करती थी। इससे नीचे जाओगे तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में ही ये कैरेक्टर आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही जब सेकेंड ग्रुप की बात करूं और थर्ड ग्रुप की बात करूं, तो थर्ड ग्रुप में क्या प्रेजेंट होगा, बेरिलियम के बाद आता है बोरॉन और मैग्नीशियम के बाद आता है एल्यूमिनियम, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेजेंट ये बेरिलियम और ये जो एल्यूमिनियम है, इन दोनों का कैरेक्टर डायगोनली कैसा था, इक्वल था। तो मतलब अरेंजमेंट जब 8 ग्रुप तक देखा गया कि सब में ऐसा डायगोनल रिलेशन है या नहीं है, तो सभी एलिमेंट में ऐसा डायगोनल रिलेशनशिप देखने को मिला जब मेंडलेव्स ने अपना पीरियोडिक टेबल दिया। तो
इससे ये बात कंफर्म हो गई कि जैसे जैसे उन्होंने नंबर ऑफ कॉलम बनाए हैं, नंबर ऑफ जो भी हमारे ग्रुप्स बनाए हैं, जो भी पीरियड्स बनाए हैं, वो बिल्कुल करेक्ट है, और जिन जिन एलिमेंट को जहां जहां पर उन्होंने रखा है वो भी बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि उनमें एक पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है और उन सबका मास बिल्कुल क्या होता है, करेक्ट होता जाता है, और उसी मास के बेसिस पे उनका जो कैरेक्टर है उसमें एक रेगुलरिटी या पीरियोडिसिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये मेंडलेव के कुछ पीरियोडिक टेबल थे जिसमें अभी तक किसी भी टाइप के कोई डिफेक्ट के बारे में हमको कोई बात पता नहीं चली। इसके बाद हम मेंडलेव पीरियोडिक टेबल का क्या यूटिलिटी है, इसने क्या क्या हेल्प किया आफ्टर डिस्कवरी, और उसके बाद इसमें कुछ डिफेक्ट भी थे, वो डिफेक्ट क्या थे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जो कि एटॉमिक नंबर पे क्या होता है, बेस्ड होता है। ठीक, तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। क्लासेस में अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप जब भी व्हाट्सएप में अगर फ्री हो जाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं।